Since the launch of ChatGPT, phishing attacks have surged 1300%. We're seeing more of them, and the quality is better. So, the English is perfect, the grammar is perfect. One rising threat spear phishing. This is where criminals craft personalized attacks using personal information. In this video you use your work. हेकर भी अपने काम को बड़े ही सरल व क्लीन तरीके से कर रहे हैं इस ए की मदद से इस नामी कंपनी जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस करती है उनसे चार करोड़ की धोखाधड़ी करी है और कंपनी के मैनेजर और चेयरमैन की क्रेडेंशियल और इंफॉर्मेशन का यूज करके उन्होंने चार करोड़ तक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है और यह सब हो पाया है स्पेयर फिशिंग के द्वारा स्पेयर फिशिंग अटैक बेसिकली हैकर द्वारा बनाई गई एक फेक वेबसाइट रहती है जहाँ पर आपको लॉगिन करवा कर आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे आइडेंटिटी प्रूफ पासवर्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल्स आदि जानकारी चुरा कर किसी इलीगल काम को अंजाम देने में इस्तेमाल कराई जाती है अब आपका यह सोचना होगा कि यह सब काम तो पहले भी होते थे इसमें ए का क्या काम तो चलो मैं आपको यह पॉइंट क्लियर करवाता हूँ जैसे कि पुणे की लार्ज हैकर्स के द्वारा टारगेटेड थी तो हैकर्स ने स्पेयर फिशिंग करने से पहले यह कंपनी के सारे इंटरेस्टेड टॉपिक एंड लेटेस्ट इवेंट एंड अपकमिंग इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट यह सब की जानकारी इनके सोशल प्लेटफॉर्म से ले ली और यही काम आता है ए का ये सब जानकारी जो कि हैकर्स एक दो हफ्ते में करते थे वहीं एआई की हेल्प से इन्होंने चंद मिनटों में यह सब जानकारी को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया क्योंकि हैकर्स ने कुछ एल्गोरिज्म का यूज़ करके इस काम को ऑटोमेट कर दिया था जिससे कंपनी के सारे के सारी डेटा जो कि हैकर्स को यह सब धोखाधड़ी करने के लिए यूजफुल थी यह सब एआई द्वारा ऑटोमेट कर दी गई एंड इसके बाद कंपनी के सी जो कि चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी का सारा मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिलेटेड संभालते हैं उनको एक फेक ईमेल भेजी गई वह एक फ़ेक ईमेल थी जहां पर एक फेक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर उनको उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर विशेष दी गई थी और उन्हें इनवाइट करने के नाम पर अपनी डिटेल्स को भरने को कहा गया और इसी प्रकार सीएफओ का अकाउंट हैकर्स के कब्जे में आ चुका था वो सी के अकाउंट के द्वारा कंपनी के सारे फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड्स इंटरनल नेटवर्क ये सब की जानकारी हैकर्स द्वारा स्टील की गई तो आपको हमारा यह तरीका कैसा लगा ए रिलेटेड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन गैदर करने का इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट कीजिए कि आपका क्या कहना है इस बारे में